नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रो नागल और मैं आपका दोस्त अरविंद। और आज के वीडियो में हमारे पास स्मार्टन कंपनी का 5500 VA का सोलर MPPT PCU है। कंपनी ने 5500 VA में यह प्रोडक्ट बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च किया है। पिछले कुछ दिनों से व्यूअर के बहुत ही कमेंट और फोन आ रहे हैं कि 48 वोल्ट में कोई बहुत अच्छा MPPT सोलर इन्वर्टर का रिव्यू करें। तो आज हमारे पास स्मार्टन का यह 48 वोल्ट में 5500 VA में सोलर इन्वर्टर है। इससे पहली वीडियो यदि आपने देखी होगी तो 5600 VA में अप्रो कंपनी के MPPT सोलर इन्वर्टर का रिव्यू भी हमने किया था। और इनके अलावा भी दो वीडियो लिवगार्ड के 5 kVA 48 वोल्ट MPPT और UTL के 5 kVA 48 वोल्ट इन्वर्टर की वीडियो भी चैनल पर आएंगी। और फिर इस समय के इन चारों MPPT सोलर इन्वर्टर का कंपैरिजन वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। जो चार इन्वर्टर इस समय के अच्छे इन्वर्टर हैं, जिनको लेने के बाद आप परेशान नहीं होंगे, उनकी वीडियो ही मैं चैनल पर आपको दिखाऊंगा। इनमें से जो भी इन्वर्टर आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ठीक लगेगा उसको आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपसे एक वही रिक्वेस्ट कि यदि चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। जैसा कि दोस्तों स्मार्टन कंपनी का यह 48 वोल्ट में MPPT सोलर PCU है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि यह कितने सोलर पैनल सपोर्ट कर सकता है। दोस्तों यदि आपके पास 40 से 45 VOC के सोलर पैनल हैं, जैसे इस समय मार्केट में 300 वाट, 330 वाट, 335 वाट, 400 वाट के सोलर पैनल आम हैं, जिनकी VOC 44 वोल्ट 45 वोल्ट होती है, तीन पैनल की सीरीज करके इसके साथ कनेक्ट की जा सकती है। डिस्प्ले के फंक्शन भी आपको दिखाएंगे इसको कनेक्ट करने के बाद, पहले इसकी बैक साइड भी आपको दिखा देते हैं। यह एक रोटरी स्विच है, आउटपुट ऑन करने के लिए एक नंबर पर रख सकते हैं, यदि आउटपुट ऑफ रखना चाहते हैं तो ऑफ पर, और यदि बाईपास रखना चाहते हैं तो दो नंबर पर इसको रखा जा सकता है। काफ़ी हैवी स्ट्रिप यहाँ पर दी गई है, यह मेन के लिए है, यह आउटपुट के लिए है, यह बैटरी के लिए है और यह सोलर के लिए है। बहुत अच्छी बात है कि मेन पर भी MCB है, बैटरी पर भी MCB दी गई है और सोलर के लिए भी MCB यहाँ पर दी गई है। दो बड़े बड़े फैन लगे हुए हैं। अभी इस इन्वर्टर को हमारे पास चार बैटरी हैं, इनसे कनेक्ट करके लोड लिफ्ट कराकर भी देखेंगे कि यह मैक्सिमम कितना लोड चला पाएगा। और जैसा कि इसकी बाहर की क्वालिटी तो देखने में बहुत अच्छी लग ही रही है, हम इसको ओपन करके इसके अंदर की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी भी आपको दिखाएंगे। इन्वर्टर को चार बैटरी से कनेक्ट करके इसके साथ में टेस्टिंग मीटर लगा दिया है। लोड को ऑन करने से पहले बैटरी के वोल्ट और इन्वर्टर का नो लोड करंट भी आपको दिखा देते हैं। मल्टी टेस्टिंग मीटर में इस समय देख रहे हैं कि 49.7 वोल्ट बैटरी के हैं, यानी बैटरी चार्ज हैं, और नो लोड करंट 1.92 एम्पियर इस समय इस इन्वर्टर का चल रहा है। यह टेस्टिंग बोर्ड इस इन्वर्टर की आउटपुट से कनेक्ट है और इन्वर्टर की आउटपुट हम देख रहे हैं कि 224 वोल्ट है बिना कोई लोड चलाए। और अब लोड को ऑन कर देते हैं, 3040 वाट का लोड इस समय इस पर चल रहा है, यानी 14 एम्पियर का लोड चल रहा है। लोड को थोड़ा और बढ़ाते हैं, 3530 वाट का लोड चल रहा है, ओवर लोडिंग रिड्यूस लोड इस पर लगातार लिखा हुआ आ रहा है, यानी 3500 वाट इस इन्वर्टर की मैक्सिमम लोड चलाने की कैपेसिटी है। आउटपुट वोल्ट यदि देखें तो 204 वोल्ट इस समय है, आउटपुट वोल्ट ठीक ठाक है, 200 या 190 वोल्ट तक कोई दिक्कत नहीं होती है। और इस 3500 वाट लोड को चलाने में DC से भी देख लेते हैं कि बैटरी से कितने एम्पियर का कंजप्शन हो रहा है, और यह 3500 वाट लोड चलाते समय बैटरी के वोल्ट हो रहे हैं 44.3, और 44.3 को 82 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस समय यह बैटरी से 3700 वाट एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और 3410 वाट एनर्जी हमें दे रहा है, यानी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर यह लगभग 300 वाट एनर्जी का लॉस कर रहा है। मेन बोर्ड से इसको कनेक्ट करके चार्जिंग भी आपको दिखाते हैं। इन्वर्टर की बैक साइड में लगी हुई मेन की स्ट्रिप से हमने यह लीड कनेक्ट कर ली है और इस टेस्टिंग बोर्ड को ग्रिड से कनेक्ट कर लिया है और इन्वर्टर में ग्रिड सप्लाई चालू कर देते हैं। 200 वोल्ट इस समय ग्रिड की है और चार्जिंग चालू हो गई है। चार्जिंग चलते हुए डिस्प्ले पर देखा जा सकता है और डिस्प्ले पर 14 एम्पियर करंट यह दिखा रहा है, और ग्रिड से यदि देखें तो 950 वाट की एनर्जी यह चार्जिंग करते हुए कंज्यूम कर रहा है।
डायरेक्ट बैटरी पर भी देख लेते हैं कि कितनी एनर्जी बैटरी के अंदर जा रही है। 14.1 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है और बैटरी के वोल्ट भी देख लेते हैं। और दोस्तों इस समय बैटरी के वोल्ट 51.6 हो रहे हैं, तो 51.6 को 14.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 727 वाट आता है, यानी बैटरी 727 वाट से चार्ज हो रही है और ग्रिड से 950 वाट कंज्यूम हो रहा है। तो चार्जिंग करते समय 225 वाट एनर्जी का लॉस हो रहा है। यह एक स्विच ऑन ऑफ के लिए दे रखा है और यह चार पुश बटन यहां पर दिए हुए हैं। यह इन्वर्टर के फंक्शन को सेट करने के लिए दे जाते हैं। यदि आप इसकी सेटिंग अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो पहले मेन्यू के बटन को कुछ देर के लिए पुश करके रखना पड़ेगा। 4-5 सेकंड पुश रखने के बाद यहां पर सेटिंग लिखी हुई आने लगती है। जिस प्रकार की भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सेटिंग करनी है, इन चारों बटन से इसकी सेटिंग आसानी से हो जाती है, जिसके लिए कई सारी वीडियो चैनल पर हमने पहले ही डाल रखी हैं, उनको आप देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि स्मार्टन कंपनी का यह 5500 VA का सोलर MPPT PCU 3500 वाट तक लोड चला रहा है। इस इन्वर्टर के साथ 100 एम्पियर से 250 एम्पियर तक की आप कोई भी बैटरी लगा सकते हैं। लोकल बैटरी है, SMF बैटरी है, ट्यूबलर बैटरी है, सभी प्रकार की बैटरी है सपोर्ट करता है। कुछ सेटिंग हमें इन बटन से करनी पड़ती है। ऐसे यूजर जिनका लोड 3000 वाट तक का है, क्योंकि किसी भी इन्वर्टर को उसकी मैक्सिमम लोड सीमा तक नहीं चलाया जा सकता, 3000 वाट तक जिनका लोड है उनके लिए यह इन्वर्टर अच्छा है। और 3000 वाट लोड पर आप अपना एक 1.5 टन का AC, 2-3 कूलर, 4-5 फैन और कुछ लाइटें आसानी से चलाई जा सकती। यदि आपको समरसेबल या इंडक्शन चलाना है तो उस समय AC को ऑफ रखना पड़ेगा। क्वालिटी वाइज इन्वर्टर बहुत अच्छा है, अभी अंदर से भी ओपन करके हम आपको दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों इन्वर्टर को लेने से पहले आप अपनी सिटी में स्मार्टन कंपनी का सर्विस सेंटर जरूर देख लें। हमने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी प्रोडक्ट कितना भी बेहतर क्यों न हो, यदि उसकी सर्विस प्रॉपर समय से नहीं मिल पाती है तो यूजर परेशान ही रहता है। 2 ईयर की इसकी ऑन साइट सर्विस है और इस समय मार्केट से आपको 55,000 रुपये तक का यह मिल जाएगा। और दोस्तों इन्वर्टर का एक साइड का पैनल ओपन हमने कर दिया है। इंटरनल पार्ट देखने में बहुत अच्छे तरीके से फिटिंग की गई है। क्वालिटी वाइज ट्रांसफार्मर और सर्किट काफ़ी हैवी और अच्छे लगे हुए हैं। नज़दीक से भी हम आपको दिखा देते हैं। ट्रांसफार्मर यू कोर में है, EI कोर में नहीं है। यह एक इंडक्शन कॉयल सोलर कार्ड के लिए होती है, MCB वगैरह आप देख ही रहे हैं। और यह इसका मेन इन्वर्टर कार्ड है। काफ़ी हैवी बड़ी हीट सिंक लगी हुई है और 16 MOSFET इस पर लगे हुए हैं। फैन, एक बड़ा फैन इस साइड में लगा हुआ है और 2 बड़े फैन बैक साइड में लगे हुए। कंपनी को चाहिए था कि इसके साइड पैनल में विंडो जाली अधिक बढ़ानी थी, फैन कम रखने थे, जिससे एनर्जी का लॉस भी कम होता और नॉइस भी कम रहता। ट्रांसफार्मर के कॉइल की वाइंडिंग की बात करूं तो पूरा ही ट्रांसफार्मर एल्युमिनियम में वाइंडिंग है। इस सर्किट के अपोजिट साइड में इसके सोलर का MPPT कंट्रोलर कार्ड लगा हुआ है। कुल मिलाकर जैसा कि मैं देख रहा हूं कि सभी पार्ट की क्वालिटी अच्छी है। दोस्तों स्मार्टन के इस 5500 VA 48 वोल्ट सोलर MPPT PCU के संबंध में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।